जब से बीसीसीआई ने घोषणा की है कि आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी अगले साल होने वाले आईपीएल 2022 में सिर्फ 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, तब से ही यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि सभी फ्रेंचाइजी अपने कौन से 4 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी और किन्हें अपनी टीम से रिलीज करेगी। इसी बीच इस साल नई फ्रेंचाइजी लखनऊ की टीम ने इस साल होने वाले मेगा ऑप्शन से पहले खिलाड़ियों के रिटेन को लेकर गहमा गहमी बढ़ा दी है, क्योंकि आईपीएल की दो टीमें पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने नई फ्रेंचाइजी लखनऊ पर खिलाड़ियों की बोली से पहले उन्हें अवैध तरीके से अपनी तरफ लाने का आरोप लगाया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मामले की शिकायत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को की है। पंजाब किंग्स और एसआरएच ने कहा है कि लखनऊ की टीम केएल राहुल और राशिद खान को अपनी फ्रेंचाइजी में जोड़ने के लिए राजी कर रही है, जिसके बाद बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि दो आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद वह इस मुद्दे पर गहराई से विचार करेंगी। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट के हवाले से कहा है कि हमें कोई पत्र नहीं मिला है, लेकिन हमें लखनऊ टीम द्वारा खिलाड़ियों के अवैध शिकार के बारे में दो फ्रेंचाइजी से मौखिक शिकायत मिली है। हम इसे देख रहे हैं और अगर ये सच साबित होता है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। अधिकारी ने आगे कहा कि हम संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहते, जब कड़ाके की टक्कर हो तो आप ऐसी चीजों से बच नहीं सकते, लेकिन मौजूदा टीमों के लिए यह उचित नहीं है कि जब वे सब कुछ संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि केएल राहुल और राशिद खान अपनी अपनी फ्रेंचाइजियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं, जहां पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल आईपीएल में पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं एसआरएच के लिए राशिद खान की फिरकी का जादू हमेशा ही मुश्किल वक्त में एसआरएच को बचाते रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि अगले साल होने वाले आईपीएल 2022 में क्या दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों से खेलते नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार चैनल। धन्यवाद।